हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से स्वागत है आपका। और इस वीडियो में मैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उस तरीके को सीखने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आप लोग एग्ज़ाम में, खास करके आप जानते हैं कि एसएससी का एग्ज़ाम कोई भी हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीपीओ हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो एमटीएस हो, ठीक है, इन सब जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें एक आपने क्वेश्चन देखा होगा, नंबर सिस्टम से रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है जो कि इस टाइप का क्वेश्चन होता है, जैसे कि 2/5, 3/7, 8/9 और 4/6 अगर आप ले लेते हैं। आपसे पूछेगा कि इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है, इसमें सबसे छोटा संख्या कौन है, इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में सजाएं, इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में समझाएं, लिखें आप। तो देखिए, ये हालांकि है तो आराम से इजी क्वेश्चन, जैसे कि आप अगर इसको बनाना चाहें तो आप इसको डायरेक्टली इसको डिवाइड कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं इसको डिवाइड करके। बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि जो कि इसको इससे डिवाइड करते हैं, पॉइंट में जो आंसर आता है उसके बाद उसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि जैसे कि अगर आप यहाँ पर जीरो बैठा दीजिए, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो और यहाँ जीरो, फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसको काटेंगे 4 आएगा, इसको काटेंगे 4 point something आएगा, इसको काटेंगे आपको 8 point something आएगा, इसको काटेंगे आपको तो 6 point something आएगा। फिर आप आराम से कंपेयर कर लेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपका सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, एक ये भी तरीका है, लेकिन जो मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ कि चलिए ये तो इजी हो गया। ठीक है, अगर मान के चलिए कि यही अगर क्वेश्चन दिया हुआ 2/5 या 3/7 या आपको 8/9 या आपको 4/6 दिया हुआ है, तो इस मेथड से आपको बनाना कैसे है कि जैसे कि मान के चलिए कि इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, ये हो गया डिनोमिनेटर, ये हो गया आपका न्यूमिनेटर। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए कि इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 5-2 बराबर कितना होता है 3, आप माइंड में कैलकुलेट करेंगे आपका हो जाएगा 3। ठीक है, यानी कि 2/3, इन दोनों का 3/4, इसका करेंगे तो 8/1, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 और इनका करेंगे 4/2 डिफरेंस है। मन में कैलकुलेट कर लिए, आप सीधे देखेंगे कि अगर यहाँ करेंगे इन सब को करेंगे तो ये पॉइंट समथिंग में आएगा, इसको करेंगे पॉइंट में आएगा, इसको करेंगे डायरेक्टली आपका 8 आ जाएगा और इसको करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। तो इसमें देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा कौन हो गया, 8 हो गया, यहाँ भी सबसे बड़ा हम लोग यहाँ से फाइंड आउट किए थे, 8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप आराम से इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपको करना क्या है, ये तो एक ईजी हो गया, थोड़ा सा एक और इस पर ही दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि 25/28 दिया हुआ है, 29/28 दिया हुआ है, यहाँ पर 17/16 दिया हुआ है और यहाँ पे 5/5 दिया हुआ है। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है। ठीक है, आप यहाँ पर तुरंत इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपको, 25/3, दोनों का डिफरेंस कितना है 3 है, यानी 25/3 करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 है, 1 रखेंगे, यहाँ पर कितना है 1 रखेंगे और यहाँ कितना है आपको 5/5, इन दोनों का डिफरेंस 1, तो आप देख लेंगे कि ये सबसे बड़ा है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस ये सबसे बड़ा हो गया। तो इसी तरीके से इस टाइप में, यानी कि ये टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे और इस तरीके से आप बनाएंगे, बहुत कम टाइम में आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, ना आपको करना है ना आपको डिवाइड करना है, क्योंकि एग्जाम में भी जो क्वेश्चन देता है वो डिफरेंस बहुत कम होता है। ठीक है, तो इस टाइप को आप समझ गए होंगे, मैं ऐसा करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप देखने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट टाइप क्या होगा। आप एग्जाम में बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन देखते होंगे, 0.4 ये देख लेंगे, ठीक है, 0.98 ये दोनों पे देख लेंगे। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, हालांकि ये क्वेश्चंस आप बहुत बार सॉल्व किए होंगे। ठीक है, तो देखिए इसको सीधा सीधी होता है कि इसको जब हटाते हैं और इसको हटाते हैं तो 4/9 होता है, यहाँ पर 2 है तो इन सबको हटाए, यहाँ पर 9/9 हो गया, यानी इसको सॉल्व ऐसे करते हैं। ठीक है, या ये कटने वाला नहीं है, इसको इसी फॉर्म में रख दिए, इसको भी आप इसी फॉर्म में रख दिए। ठीक है, एक इस टाइप का क्वेश्चन हो गया आपको। एक आपको क्वेश्चन होता है कि जैसे कि पॉइंट हो गया यहाँ पर 4/5, यहाँ पर रेकरिंग होता है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि जैसे कि यहाँ पर ये 4/5 दिया हुआ है तो इसको करेंगे 4/5 /
ये कितना बचा हुआ है 4, यानी कि इसको रख दिए, एक पर रैकिंग था यानी 9 रख दिए, और इस पर रैकिंग नहीं था यहाँ पर 0 कर दिए, यानी कि 41/90। इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। अगर एक क्वेश्चन और देखें, 4, 5, 8 यहाँ पर रैकिंग है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर देख रहे हैं एक, यहाँ एक पर है यानी कि इसको पूरा लिखेंगे 4, 5, 8/9। दो पे नहीं है यहाँ पर 0, जितना पे नहीं है उसको नीचे पे 0 रख देंगे। एक पे यहाँ पर है यानी कि रिमेनिंग कितना बचा हुआ है 4, 5, यानी कि ये कितना हो जाएगा 4, 1, 3/9, 000। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये सब समझ रहे होंगे आप, ठीक है। उसके बाद इसी में एक क्वेश्चन आता है कि जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 4, 5, फिर 6, 7, सेम क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसको कैसे करेंगे? 4, 5, 6, 7 रिमेनिंग बचा हुआ है 4, 5, दो पर है तो 9, 9, दो पर नहीं है यहाँ 0 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे आप 4, 5, 2, 2/9, 9, 0, 0, इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए इसको और देखते हैं, इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे कि एक क्वेश्चन हो गया आपका 6.6, ये हो गया, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे कि ये यहाँ पर दिया हुआ है 0.6.66, तो आप जानते हैं कि ये करेंगे हम लोग 6, यहाँ पर दिया हुआ है प्लस 6/, यहाँ पर एक है यानी कि यहाँ 9 रखेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 यानी 3, यानी कितना हो गया 6 होल 2/3, यानी कि 6 3 18, यानी कि ये 20/3 हो गया आपका आंसर। तभी इसको आप डिवाइड करेंगे तो 6 होल 2/3 आता है। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। बहुत कम टाइम में मैं चाह रहा हूँ कि आपसे बहुत ज़्यादा आपको रिवाइज करवा दूँ ताकि आप आराम से इसको बना सकें, ठीक है। तो इस टाइप में एक ये टाइप हो गया आपका। उसके बाद अगर कुछ और देखें हम लोग, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए कभी कभी जो है ना, आप लोग तो ये सब चीज़ तो आप आराम से जानते हैं कि ये सब चीज़ आप लोग बनाए भी होंगे, ये तरीका आपको पता भी होगा। एक चीज़ आप देखिए, जैसे कि यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है 6.43, ठीक है। तो देखिए हमेशा रेकरिंग तो आप यहाँ देखते हैं, लेकिन कभी कभी अगर कुछ ज़्यादा अगर हाई लेवल का क्वेश्चन आए तो आप यहाँ पे देखेंगे रेकरिंग, यानी कि इसके पहले रेकरिंग हो जाएगा, यानी कि इस पे नहीं है यानी कि इसके पहले होगा। तो एक चीज़ हमेशा नोटिस कीजिएगा कि जब भी आप इस फॉर्म में क्वेश्चन देखें, आप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया कि जब भी आप पहले देखें तो इसका आंसर जो है वो हमेशा किस में आएगा, निगेटिव में आएगा, ये हमेशा निगेटिव में आएगा। मतलब क्या हो गया, 6 में से जो है आप माइनस कर देंगे 43 को, 0.43 को, तो जो भी आपका आंसर आएगा 5.57 जो आपका आंसर आएगा, ये माइनस में आपका आंसर आएगा, ठीक है, ये आपका माइनस में आंसर आएगा। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लिए होंगे। अगर कुछ और हम लोग क्वेश्चन देखें, तो यानी कि अगर 37.28 दिया हुआ और यहाँ पर रेकरिंग हो गया, तो यानी कि इसका आंसर आप निगेटिव में आएगा 37-0.28, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 36.72, और ये आपका माइनस में आंसर आएगा। इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को लिखेंगे, ठीक है। तो ये एक नया चीज़ हो गया आपको सीखने को, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग कुछ नेक्स्ट टाइप और देखते हैं। नेक्स्ट टाइप में क्या हो गया, देखिए प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि 8 पे पावर 20 दिया हुआ है, ठीक है, 8 पे पावर 20 हो गया आपको, 15 पे पावर 24 हो गया, और यहाँ पे 7 पे पावर 15 हो गया। अब इसका प्राइम फैक्टर आपको कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो आप जानते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर जो खुद से कटे और 1 से कटे, ठीक है। तो ये अगर इसका पूछेगा कि इसका कितना प्राइम फैक्टर है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 into 2 into 2 पे पावर कितना हो जाएगा,
20, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं इंटू 3 इंटू 5 पावर 24, 7 है तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर ये सब प्राइम नंबर हो गया, यानी कि जब आपसे क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके से उसको फैक्टर करना है कि जो प्राइम में आए। अब यहाँ पर देखिए 2 पे पावर 20 था, फिर 2 पे पावर 20 था, फिर यहाँ पर 2 पे पावर 20 था, इस तरीके से यहाँ पर 3 पे पावर 24, यानी 5 पे पावर 24, और यहाँ पर 7 पे पावर 15। अब आपको करना क्या है, अब इन सब को भूल जाना है, कितना यहाँ पे है इसको ऐड कर लेना, 20, 40, 60, 60 प्लस 48 प्लस 15, यानी कितना हो जाएगा 123 आपका आंसर हो जाएगा। जब आपसे क्वेश्चन में इस तरीके से है तो आप इस तरीके से प्राइम फैक्टर को, अगर क्वेश्चन आता है, ये सब एक एक नंबर का आता है, हो सकता है कि आपसे पीटी में पूछ दे, मेंस में तो कम चांस है पूछने का, लेकिन पीटी में आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे, एक क्वेश्चन इस पे और देखते हैं। अब अगर एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ दे कि 8 पे पावर 20 इंटू 35 पे पावर 10 और आपको 49 पे पावर 15, अब आपसे पूछते हैं, अब इसको आपको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। आराम से 8 को तोड़ देना है, आपको मन में ही जब आपको स्पीड आ जाएगा, जब आप बनाने लगेंगे पूरे प्रैक्टिस में, तो आप आराम से याद दे सकते हैं कि यहाँ पर 2 × 2 × 2 यानी 3 बार है, यानी कि 20 × 3 यानी कितना हो जाएगा 60, 60 तो होगा यहाँ से। यहाँ पे आप देख लेंगे 5 × 7 ये प्राइम नंबर है दोनों, यहाँ पर 10 है यानी कि 2 बार है, यानी कि हो जाएगा आपका 20, ठीक है। यहाँ पर आपका हो जाएगा 7 × 7 यहाँ पे 15 15 है, 15 15 30 हो जाएगा, यानी कि 60 80 यानी कितना हो जाएगा 110 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको ऐसे कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर से एक क्वेश्चन रिलेटेड हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट था, तो इसको कॉन्सेप्ट को आपको समझा दिया। अब कुछ और टाइप का क्वेश्चन देखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए कभी कभी एग्जाम में एक सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है, जैसे कि 999 फिर 998 बाई 999 और इंटू 999, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कभी कभी सिंपल सिंपल एक एक नंबर का इस सब टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करके फिर इसको ऐड करके फिर यहाँ से करें, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसको इजी वे में कैसे बना सकते हैं, तो शायद बहुत लोगों को ये अप्रोच अभी जो प्रैक्टिस में होंगे वो तुरंत इस चीज़ को कर लिए होंगे। कैसे किए होंगे वो देख लीजिए, इसको यानी कि 199 को देखिए, अगर 10 यहाँ पर 9 लिखा हुआ है तो 9 को हम लिख सकते हैं, 10 - 1 सेम वैल्यू आएगा, 9 आएगा। उसी तरीके से आप इस चीज़ को देखिए कि यहाँ पर ये है, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1000 - 1 इस क्वेश्चन को, फिर 998 और यहाँ पर 999 और इंटू 9999। तुरंत इसको करेंगे, देखिए जैसे कि 6 होल 2/3 होता है, तो करते हैं ना 6 × 3 + 2/3 लिखते हैं इसको, 6 × 3 = 18 20/3। उसी तरीके से जब यहाँ करेंगे हम लोग तो तुरंत हो जाएगा 9 और 3 0 है, और यहाँ हो जाएगा 999 और प्लस 998 दिया हुआ, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 999 और इंटू 999, इससे तो ये चला जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस वन आ जाएगा, यहाँ पर आप देखिए 999 है, यहाँ पे एक कम है, साइन तो हो जाएगा यानी कि 999000 और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस वन। जब इसको सॉल्व करेंगे माइनस वन तो इसमें से जाएगा 9, यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 9 और 9, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाएगा, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। ये सब एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसको देख लीजिए, प्रोसेस देख लीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, उसको सेव करना है। आप ऐसा नहीं है कि आप वीडियो में तेज़ी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उतना समय आपके पास नहीं है कि आप इस सब चीज़ को बहुत धीरे धीरे वे में देखें, तुरंत तुरंत ईजी वे में भी आप सीख सकते हैं, जिसको अगर आता है वो रिवाइज कर सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। कुछ और हम लोग अगर देखने का कोशिश करें इसी पर, तो अगर यहाँ पर आप देखें, एक क्वेश्चन और सॉल्व कीजिए, 999
यहाँ 995 और यहाँ पर 999 यहाँ हो जाएगा इंटू 999। अब इसको सॉल्व करना होगा तेजी में, कैसे करेंगे आप एक बार देख लीजिए। अगर ओरली बनाना हो आप इसको कर चुके हैं अपने माइंड में कि 1000 माइनस 1 है, यानी कि उतना लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ 3 लिखें 1 2 3 आ जाएगा। और माइनस 999 यानी कि जब इसको माइनस 1 रहेगा तो माइनस जैसे कि इस फॉर्म में आएगा 1000 माइनस 1 आएगा। तो आप यहाँ से खुद से कैलकुलेट कर लिए कितना आएगा, और यहाँ करेंगे तो 99 आएगा, और माइनस 999 और प्लस 995 यानी कि माइनस 4 आ जाएगा। जब यहाँ से करेंगे 6 आएगा, यहाँ करेंगे 9 आएगा, फिर 9 आएगा 8 9 और 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये ओनली में मतलब वन में ही आप इस चीज़ को बना सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगर आपको ये सब चीज़ ठीक लग रहा है तो इसको आगे भी जो है नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं आपसे नंबर सिस्टम में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।